अहमदाबाद के अंदर ही 100 से ज्यादा स्मार्ट स्कूल बनाई है, सरकारी स्कूल। इनको स्कूल कॉलेज में डिफरेंस ही नहीं पता है, ये आईआईएम बोल रहे हैं, आईआईटी बोल रहे हैं। वो आपके जैसे भैया भैया एक मिनट। इनके मुंह से बात समा रही है जो तंबाकू खा के वहाँ पे थूकते हैं, उसके वजह से ही आज अटल ब्रिज के ऊपर फीस लगानी पड़ी है। दंगा होता है कि नहीं गुजरात में? डबल इंजन की सरकार यहाँ भी बनने वाली है। अच्छा ठीक है, एक मिनट चुप हो जाइए। सुनो, ये मोदी जी वाला चाय नहीं है। मोदी जी के एक एंट्री पे बीजेपी आ जाएगी इधर, देख लेना 100%। चलिए ठीक है, एक सवाल मैं गुजरात में इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताने के लिए तैयार है? जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सीए और एनआरसी का विरोध आप लोगों ने क्यों किया? 47 टन सोना किसने गिरवी रखा था? और हमारा अब मोदी है तो 200 टन सोना आ रहा है। अभी कम है दिल्ली में ट्रैफिक, क्या कम है क्या बताइए? दिल्ली में सुनिए, दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से, प्रदूषण की वजह से जो स्कूलें बंद हो जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? बड़े आपका न्यूज देखता हूँ, आपका न्यूज बहुत देख रहा हूँ मैं, आपका अभी आज ही नाम लिया था। क्या नाम हुआ आपका? रमेश राठौर। अच्छा इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार भाजपा भी जा रही है और आप भी नहीं आएगी। आएगा कौन? मेरे ख्याल से तीसरी कोई पार्टी आएगी। तीसरी कौन पार्टी? मंगल ग्रह से थोड़ी आएगा, पार्टी का नाम बताइए ना। बीजेपी आएगी 100% बीजेपी। बोल रहे हैं बीजेपी नहीं आएगा? बीजेपी आएगी, देखना। बोल रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी? अरे आएगी। ऐसा लग रहा है कि गुजरात के अंदर विकास नहीं हुआ है। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुजरात के अंदर डेवलप हुआ है, आप देख लो, ये मेट्रो युवाओं को जो सरकार आएंगे, हमारे मोदी सरकार, बाहर के लोग यहाँ कमाने आते हैं, आप समझ लो, तो 100% बीजेपी आएगी। जो हमारा है मोरबी में भाजप ने पैसा नहीं दिया है भैया, 4 लाख रुपए का दिया है। सभी नियमों को ताक पर रख, युवाओं को रोजगार कहाँ है? सभी नियमों को ताक पर रख, कहाँ है ये रोजगार? दे दिया गया मोरबी में एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया, सभी नियम को ताक पर। नियम क्या था कि टेंडर बार बाढ़ो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, बाकी म्युनिसिपैलिटी के अंडर में था बराबर। तो बीजेपी के प्रेशर की सरकार आएगी, अगर बीजेपी की नहीं आएगी तो? सर जिसकी भी सरकार आवे, बीजेपी की सरकार किसकी सर, किसी की भी आवे। आप किधर जा रहे हैं इस बार? आप किधर जा रहे हैं? कांग्रेस में वोट दूंगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए शायद, क्योंकि ये कांग्रेस को 27 साल से आज के युवाओं ने देखा नहीं है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, भाजपा की सरकार आएगी क्योंकि अंदर आज का जो युवा है वो मोदी जी के साथ जाना चाहता है। 27 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, गुजरात के अंदर युवाओं ने कांग्रेस को देखा ही नहीं। अहमदाबाद के अंदर ही 100 से ज्यादा स्मार्ट स्कूल बनाई है, सरकारी स्कूल। खोखरा के अंदर ही हमारे सामने पुरानी स्कूलों में कबूतर है ना, अंडा रखते थे। स्मार्ट स्कूल का अर्थ समझते हो आप? ये भाई साहब शायद स्मार्ट स्कूल का मतलब नहीं समझ रहे हैं। गुजरात के अंदर 100 से ज्यादा स्मार्ट स्कूल गुजरात गवर्नमेंट के अंदर बनाई गई है। जो 6000 गुजरात में स्कूल बंद हो गई टोटल, और कितनी स्कूल है उसमें बंद होने के कगार पे है। देखिए आप गलत, कांग्रेस के टाइम पे कितने स्मार्ट स्कूल है बनी? अच्छा, इनका एक सवाल है कि कांग्रेस के टाइम पे कितना स्मार्ट स्कूल बना? देखिए स्मार्ट स्कूल की बात करें तो IIM IIT ये किसने दिया? ये किसका विजन? स्कूल नहीं है भाई, ये स्कूल नहीं है। एक मिनट सुनो, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, अरे ये सब स्कूल नहीं है। टेक्नोलॉजी अभी आई, इनको स्कूल कॉलेज में डिफरेंस ही नहीं पता है, ये IIM बोल रहे हैं, IIT बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं स्कूलें कितनी बनाई स्मार्ट, स्मार्ट स्कूल का जवाब दो। अरे आप ये बताओ ना, मेट्रो कैसा बना है? आप ये बनाओ, 10 रुपए में कालूपुर जाते हैं आप इनको। मेट्रो राहुल गांधी ने नहीं बनाया है। मेट्रो किसने बनाया है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? एक मुझे बताओ ना, एक स्मार्ट सिटी। मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर IIT जैसी इंस्टीट्यूट, 10 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर IIT जैसी स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाया है? स्मार्ट रिवर फ्रंट एक प्रोजेक्ट है। रिवर फ्रंट के अंदर जो ब्रिज पर चलने के लिए कितना रुपया फीस है? कितना रुपया? वो आपके जैसे भैया रोजगार मिल रहा है, इनको मौका दूंगा। हाँ बोलिए, बना किसने? ये पहले पूछा है ने, तुम्हारा क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। लोन था, कितना
कर जाता और अभी उससे चार गुना बढ़ गया है। इनका आंसर मैं इनका भाई को देना चाहता हूँ। जो अटल ब्रिज बना उसके लिए जो ये फीस के बारे में बोल रहे हैं, इसके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, इनके मुंह से बास मार रही है, जो तमाकू खा के वहाँ पे थूकते है उसके वजह से ही आज अटल ब्रिज के ऊपर फीस लगानी पड़ी है। बराबर, वो डेवलपमेंट ले लिया, वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर साफ सुथरा रख ले रही है। आपके आपके वहाँ पर गुजरात के अंदर तम्बाकू बिका जाता है उतना तम्बाकू किसी जगह बिकता है? सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे खा नहीं रहे आप लोग, नहीं खाने खाना ही नहीं चाहिए, बंद कर दो तम्बाकू। अरे सुनिए, उसने कहा कांग्रेस ने युद्ध के बीच में जो है मेरा माइक छीन लिया गया है, कांग्रेस देख लीजिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप इनको मौका देंगे, देखिए देखिए, हाँ माइक छीन ली है हमारी चाची जो है। अब बोलिए आप किसके तरफ है? कांग्रेस किया क्या अभी लगी के लिए कांग्रेस ने क्या किया मुझे वो बताओ। कोई कसू करू नहीं तुम्हारे माँ कच्छ तक पानी पहुँच रहा है। कांग्रेस की सरकार के अंदर कांग्रेस 27 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने अंदर अहमदाबाद में तालाब बंद कर दिए, जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने तालाब खोल दिया। आज जो भी मोदी सरकार बेच रही है वो सब कांग्रेस ने बना के दिया था सर, जो 70 साल से कांग्रेस ने बनाया था ये मोदी सरकार उसको बेच रही है। आज 27 साल से सरकार नहीं है, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में सब सत्ता जो बनवाया है वो कांग्रेस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 27 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है यहाँ पे? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। 27 साल से बरोबर भाजपा सरकार ने पब्लिक को बेवकूफ बनाया है, पोस्टर दिखा दिखा के बरोबर। एक मिनट, भाजपा की सरकार आए तो पब्लिक को बेवकूफ बनाया और कांग्रेस की सरकार आए तो पब्लिक के 27 साल से भाजपा ने पोस्टर दिखाया है के भाई ये बड़ी बड़ी हमारे ये जीतने की बात नहीं होती है। सुनिए, जो दिखाया है वो करा नहीं है, जीतता ही था हिटलर की सरकार। सुनिए, भाजपा की सरकार ने जो पोस्टर के अंदर दिखाया है वो करके दिखाया है। SVP हॉस्पिटल जैसी हॉस्पिटल की सुविधा है, GSS हॉस्पिटल देख लो, सब अभी मंदिर देख लो, जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया हुआ, अंबाजी देख लो, पावागढ़ देख लो। मैं कहना चाहूंगा कि चलो भाई ठीक है, 27 साल से BJP है, सुख शांति है, इसके पहले चिमन भाई पटेल सरकार रह चुकी है यहाँ पे, उनकी खुद की सरकार बन चुकी है, इसके बाद केशु बापा जी की सरकार बनी है, नेतृत्व में उनकी सरकार बनती आई है और बनी है। बराबर, दंगा होता है कि नहीं गुजरात में? दंगा कि नहीं गुजरात? दंगा वाले को वो बैठ जाएंगे सरकार में, वो दंगा कैसे होगा? दंगा कराने वाले वो होते। एक स्कूल के अंदर सबसे धमाले डबल इंजन की सरकार यहाँ भी बनने वाली है। पीछे से ये चाय पीते पीते ये जो है, सुनो सुनो सुनो, ये मोदी जी वाला चाय नहीं है? नहीं नहीं, ये हमारे केसी का चाय है, पर यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आने वाली है, मतलब केंद्र में भी वही और यहाँ स्टेट में भी वही रहेगी, ये चौथी बार लगातार चलती रहेगी। मिला है कि नहीं रोजगार? मिला है कि नहीं कि दारू बेच रहे हो? नहीं मिला है एकदम। अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट चुप हो जाइए लोग, एक मिनट, मोदी के अगेंस्ट में है कौन, उसका नाम बताइए लोग आप लोग, मोदी के अगेंस्ट में किसका नाम है? लोकसभा का हो रहा है कि राज्यसभा कल विधानसभा का हो रहा है? अच्छा तो उसी का नाम बताइए। वो नहीं मालूम है? सुनिए सुनिए, भूपेंद्र जी को कितने जानते हैं? हमारे CM श्री को कितने लोग जानते हैं? अरे सुनिए, आपके पास CM बताइए ना, हमारे पास भी CM का। अरे आपके पास कैंडिडेट कौन है? सुनिए, कैंडिडेट कौन है? सुनिए, चेहरा बताइए ना, मेरी बात सुनिए, संविधान है ना हमको चुनाव में। अरे चेहरा बताइए। सुनिए, चेहरा की बात नहीं है, चेहरा तो आप सुनिए, वो सब आ जाएंगे हमको। मोदी जी के एक एंट्री पे BJP आ जाएगी इधर, देख लेना 100%। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, मोदी जी का एक एंट्री पे BJP आ जाएगा तो कांग्रेस की तरफ से एंट्री कौन कर रहा है? करे आम आदमी आएगी, मेरी बात सुनिए, आम आदमी आएगी। ये देखिए, ये पहले भाजपा की तरफ से बैटिंग करते करते आम आदमी पार्टी की तरफ से हो गए। सुन लीजिए, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी,
मैं बोला उनकी शासन इस बार जब चेंज हो रहा है 27 साल बाद चेंज होगा तो इस बार आम आदमी आएगी जी पक्का। कितना सीट आने वाला है आम आदमी पार्टी? जो भी आएगी, जो भी है आपने। चलिए ठीक है, एक 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 सवाल मैं गुजरात में इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताने के लिए तैयार है? जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, हम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। कानून तो लाओ, कानून लाने में एक भी कांग्रेसी तैयार नहीं होगा जनसंख्या के लिए, एक भी कांग्रेसी तैयार नहीं होगा जनसंख्या मानने के लिए, अधिनियम के लिए। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भी हूँ तैयार। लाइए ना कानून तो लाए, जनसंख्या का नियम वो भी आ जाएगा। वो ला ही नहीं पाएंगे, सरकार भी नहीं ला पाएंगे, और लाएंगे तो कानून नहीं ला पाएंगे। आपके पास तो सरकार है ना, 27 साल गुजरात में आ चुकी कांग्रेस, आपको पार्टी में से निकाल देंगे कांग्रेस वाले, ऐसा बोलो तो बता दो। अरे इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो जनसंख्या कानून को क्या एक्सेप्ट करेगा? मुझे वो समझाइए, सीए को ये लोग मानते नहीं है, सीए सीए का विरोध करने वाले ही कांग्रेस ही है, दो दो महीने तक धरने दिए। अच्छा सीए और एनआरसी का विरोध आप लोगों ने क्यों किया? हम कर रहे हैं, हमको कुछ उसमें गलती दिख रही तो हम कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, वो अभी हम बताने की बात नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। फुल फॉर्म बता दीजिए कम से कम, बता दो। पता ही पता, फुल फॉर्म फुल फॉर्म फुल फॉर्म फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बता दिया बेचारा, बता बताया बताया। मेरी बात सुनिए, जो सीए सीए बी किधर से है? मैं भाई यहीं से हूँ, यहीं से हूँ। अरे कौन से पार्टी की तरफ से है? मैं भाई मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, सब पार्टी वाले सब इधर उधर। अच्छा किधर वोट देने वाले हैं इस बार? पहला तो भाजपा को दिया था, अब किसको नहीं देने गए? अब किसी को नहीं देने बोलते, सब ब्रिज गिरने वाला इधर यार, कोई कब ब्रिज गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये ब्रिज गिरने वाला है? अरे यार अभी तो 6 बार तो रिपेयरिंग हो चुका है भाजपा के राज में यार, कोई सब अपने पार्टी अपने सब में अपने खाके भर जाती है। भाजपा को वोट दिया था, भाजपा भी सोचा था कि भाजपा अच्छा कुछ करेगा, किया नो डाउट, लेकिन अभी अपना अभी पेट भरने में लगे हुए सब। ये देखिए ब्रिज का मुद्दा इन्होंने उठा दिया, ब्रिज कभी भी गिर सकता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये सुनो, ये बोल रहे हैं भैया बताओ ना कहां गिरा है? ये कोबांड का रियलिटी है, ये किधर से? मैं कॉमन मैन हूँ, बोलिए। अरे मैंने कौन से पार्टी के तरफ से? कोई पार्टी से? चुनाव के तरफ आदमी जो है ना कॉमन मैन नहीं रह जाता है ना, किसी ना किसी पार्टी की तरफ से रहता है। कॉमन मैन है, अब की देखते हैं कोई भी आएगी, किसकी आएगी? कांग्रेस भी आ सकता है, कांग्रेस भी आ सकता है। ये देखिए ये कांग्रेस बोल रहा है, 47 टन सोना किसने गिरवी रखा था, और हमारा अब मोदी है तो 200 टन सोना आ रहा है, बहुत सारा बोझ है ना, अभी कर्जा भी गुजरात पे सबसे ज्यादा है, ये अभी 7 लाख करोड़ का 15-16 लाख करोड़ हो गया है, उससे तो कम ही होगा अभी अभी। अरे भाई जितना आप यहाँ पे देख लो ट्रैफिक की समस्या कितनी है, रियलिटी है। मोदी टेक्निकल इश्यू है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक कम है? दिल्ली में ट्रैफिक क्या कम है क्या बताइए? दिल्ली में सुनिए, दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण की वजह से जो है स्कूलें बंद हो जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? पर यहाँ पे भी एक दिन के अंदर स्कूल तैयार हो जाती है, स्मार्ट स्कूल एक दिन में तैयार हो जाती है, वो क्यों हो जाती है? इतने साल से कहाँ चले गए थे सब? आज आप जाके सरकारी अस्पताल, दिल्ली में ज्यादा ट्रैफिक है कि अहमदाबाद में ज्यादा ट्रैफिक है? अहमदाबाद में भी ट्रैफिक है। दोनों में से कहाँ ज्यादा है? अहमदाबाद। अच्छा प्रदूषण कहाँ ज्यादा है, दिल्ली में कि अहमदाबाद में? अहमदाबाद में भी है कि अहमदाबाद में? इसमें कुछ कहने लायक नहीं, पब्लिक क्या बता रही, कहाँ पॉल्यूशन ज्यादा कहाँ नहीं। ऐसे कमाने के लिए या कैमरे लगाए जाते हैं, बाकी पब्लिक की सुरक्षा के लिए कोई कैमरे नहीं लगाया जाता है। अच्छा किसको वोट देने वाले हैं? भाजपा को। भाजपा को क्यों देने वाले हैं? भाजपा बराबर मोदी है क्या? मोदी है तो भाजपा है, मोदी है तो भाजपा है। अच्छा इस बार चुनाव में मुद्दा क्या क्या होगा? राष्ट्र। क्या? राष्ट्र। राष्ट्र हाँ। बस राष्ट्र के नाम पे इस बार वोट देने वाले हैं? देने वाले हैं। राष्ट्र के नाम पे ये लोग वोट देने वाले हैं, राष्ट्र के नाम पे आप भी वोट देने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी। मोदी है तो मुमकिन है। किधर? बीजेपी। बीजेपी हाँ। किधर? सब दोनों बाजू कहीं पे नहीं। किसको नहीं, किसको वोट देना नहीं है? मैंने आपका न्यूज देखता हूँ, आपका न्यूज बहुत देख रहा हूँ मैं, आपका अभी आज ही नाम लिया था। कमल के बटन दबाइया, ये भाई साहब ब्रिज किधर? तुम किधर हो? अभी मैं वोटर ही नहीं हूँ। वोटर ही नहीं हूँ? कितना साल उम्र हो गया? अभी 18 पूरी हुई है। हो गया है ना, तो वोटर लिस्ट में नाम लिखवा लो। किधर हो तुम? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। कहाँ से हो आप? मैं करनारोल से। अच्छा किसको वोट देने वाले हो इस बार? इस बार तो अपना झाड़ू वाला। झाड़ू वालों को क्यों?
केजरीवाल क्यों? केजरीवाल इस बार महंगाई बढ़ गई है, अभी मोदी ने महंगाई क्या? अभी चाचा थोड़ी देर पहले नाम बताने के लिए नहीं तैयार थे और अभी अब सब कुछ बता रहे हैं। मोदी को नहीं देने वाले मोदी। कमल का बटन दबैया। कमल का बटन। हाँ चलिए ठीक है। बाकी इस जगह से हमारा ये प्रयास कैसा लगा और गुजरात में किसकी सरकार बन रही है, आप लोग किधर से हैं कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे तो कुछ लोग जो है कांग्रेस की तरफ से है, कुछ लोग जो है वो झाड़ू छाप की तरफ से है और बहुत से लोग जो है वो बीजेपी की तरफ से है। बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पे, राष्ट्रवाद मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून मुद्दा है, उसके अलावा जो ये ब्रिज है जो बंद है ये भी एक मुद्दा है यहाँ पे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।